इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर प्रभा शंकर मिश्र जी हैं। प्रभा शंकर मिश्र जी की शख्सियत के बारे में बता दूं कि आप भूवैज्ञानिक रहे हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से शैक्षिक सेवा अवकाश लिया है, आप साहित्य में भी इनकी पर्याप्त दखलंदाजी है और आपने कविता संग्रह लिखा है बहुत दिनों की कविता, और जल्द ही एक पुस्तक आपने लिखी है आदि शंकराचार्य जिसका विमोचन आने वाले समय में होने वाला है। तो हम आज मिश्र जी से बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मिश्र जी। जिस लेवल पे आपने काम किया है, माने आपने एक राष्ट्रीय स्तर पर भू वैज्ञानिक रहे हैं, उस बड़े लेवल पे काम करने के बाद जब मैं आपके बारे में सुनता हूँ कि आप सकरिया गांव में आके रहने लगते हैं, तो वो जो शहरों और गांव के बीच का जो विरोधाभास है या जो संस्कृति जो है, उस सुविधा, मतलब एक दौर था कि आप सुविधाओं के साथ जिए, फिर गांव में आपको आकर के वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आबो हवा में, तो आप ये कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? देखिए, यहाँ आने का मकसद मेरा ये था कि हर आदमी को ऋण चुकाने पड़ते हैं जी। बाप कर रहे हैं जी, माँ कर रहे हैं जी, परिवार कर रहे हैं, उसी तरह से माटी का भी ऋण होता है जी जी। तो मेरे यहाँ आने का मकसद माटी का ऋण चुकाना था, एक जी। दूसरा ये था कि मुझे ये लगने लगा है पिछले 6-7 सालों में पढ़ते लिखते के दौरान जी, कि हमारी विरासत कहीं ना कहीं खंडित हो रही है जी, और ख़ास करके औपनिषदिक या उपनिषदों की जो हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है जी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पैदा होकर के जिसने उपनिषद मूल संस्कृत में नहीं पढ़ा जी, उसका जीवन थोड़ा अधूरा है जी। इसलिए मैं यहाँ आया था कि मैं संस्कृत पढ़ाऊँगा जी और उपनिषदों पर चर्चा करूँगा, उपनिषदों के का प्रचार प्रसार में थोड़ा सा अपना कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में भाग लूँगा, ये मकसद था। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा और इन दोनों में जो विरोधाभास है जी, और मैं कैसे सामंजस्य स्थापित करता हूँ, थोड़ा कष्ट है। कष्ट मुझे ये नहीं है कि मैं जो गांव छोड़ कर के गया था जी, अब वो गांव नहीं है। मैं तकरीबन 40-45 साल बाद गांव लौट करके आया हूँ जी, तो ये निश्चित रूप से वो गांव नहीं है जिस गांव को मैं छोड़ के गया था, उसका मुझे कष्ट होता है। उसमें भावनात्मक स्तर पर, भावना के स्तर पर जरूर मुझे थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा जो गांव आपने छोड़ के गए थे, तो उसमें क्या बदल गया? संस्कृति बदल गई, सभ्यता बदल गई, सोच बदल गई, आखिरकार वो जो आपको कमी उस गांव में महसूस होती है, देखिए वो क्या कमी है? हमारे गांव समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, आपस में सहभागिता, सहकारिता और साथ होने का भाव जी। किसी भी आदमी को ये नहीं लगता था कि अगर कष्ट में है तो लोग उसके पास नहीं खड़े होंगे। अब हर आदमी अपने अपने द्वीप में रह रहा है जी, हर व्यक्ति का अपना द्वीप है, और ये मैं सोचता था सिर्फ शहरों में हो रहा है, अब ये गांव में भी बुरी तरह से हो रहा है। हर आदमी अपने अपने द्वीप में रह रहा है, उसको आस पड़ोस के दुख दर्द से कोई, पहले तो किसी घर में नमक नहीं होता था तो आदमी नमक पहुँचाता था, आग नहीं होती थी गुरसी में तो आदमी गुरसी से निकाल के आग देता था, चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, इस तरीके की तमाम, ये सहभागिता वाला जो दौर था ये खत्म हो गया है। दूसरा जो कष्ट जो मुझे होता है यहाँ, मतलब रहन सहन की स्थिति को लेकर के तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए कि अब बिजली यहाँ भी है, सारी सुविधाएं आप उसी तरह से पैदा कर सकते हो जिस तरह से आप शहर में करते हो, लेकिन भावना के स्तर पर, विचार के स्तर पर, मनुष्यता के स्तर पर, मैंने जो भावना आत्मीयत के स्तर पर ह्रास हुआ, वो
उसमें बहुत गिरावट आई है, इसका मुझे बड़ा दुख लगता है जी। लेकिन चलिए ठीक है। तो उस गिरावट का कारण आप क्या समझते हैं कि वो गिरावट क्यों आई आखिर? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल की विवेचना तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ जी कि गिरावट का के चार मुद्दे हैं जी। पहला मुद्दा तो ये है कि हम अपनी परंपरा से कट गए जी। दूसरा मुद्दा, ये परंपरा से कटने के पीछे जो दूसरा मुद्दा है, जिसको नायपाल एक अंग्रेजी लेखक हैं जिसको बोलते हैं वी आर उंडेड सिविलाइजेशन जी। भारतीय संस्कृति एक आहत संस्कृति है ऐसा वो बोलते हैं जी। इस आहत संस्कृति का अर्थ है कि हमारे ऊपर न जाने कितने आक्रमण होते रहे, सांस्कृतिक मुठभेड़ें होती रहीं, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है सांस्कृतिक मुठभेड़ का, इसके पीछे जो ये उपनिवेशवाद के जो असर हैं वो तो हैं ही जी। इसके बाद जो है भूमंडलीकरण का असर, इसके बाद में फिर ये जो नया ये आपका जो न्यू लिबरलिज्म जिसको आप बोलते हैं नव उदारवाद का जो असर है जी। इन मैं मुझे लगता है कि इन चीज़ों का बहुत कुछ इससे अंतर आया है, इससे अंतर आया है, और ये मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों में कुछ ज़्यादा हुआ है, उसके कारण मेरे गांव में गिरावट आई है। आप भूवैज्ञानिक रहे और उसके बाद आपकी जो साहित्यिक अभिरुचि, मैंने जिस स्तर पे आप, मैंने साहित्यिक अभिरुचि पढ़ना तो एक सहज बात होती है, पढ़ना फिर किताब लिखना फिर कविता में जाना फिर कहानियों में मैंने गोता लगाना, ये जो ये साहित्यिक अभिरुचि है ये ऐसा लगता है कि एक नदी के दो किनारे हैं, तो ये रुचि जो है ये थोड़ी समझ से। मुझे नहीं लगता कि ये नदी के दो किनारे हैं जी। कारण ये है, देखिए कि निसर्ग जी, कवि या लेखक या साहित्यकार जी, निसर्ग प्रकृति से जुड़ा होता है जी। ये प्रकृति जिस प्रकृति को मैंने देखा है, जिस प्रकृति के साथ जिया हूँ, वो अद्भुत प्रकृति थी, चाहे वो गांव की, उस जमाने के गांव की प्रकृति रही हो या अपने भूवैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान हिमालय में, दूसरे देशों में, आल्प्स में, और जगह जगह जाकर के मैंने जो प्रकृति को देखी है, लोगों के दुख सुख में प्रकृति का कितना बड़ा हिस्सा है ये देखने में, और ख़ास करके मैं चूँकि मूलतः जो है भूकंपों का वैज्ञानिक हूँ जी, और मैंने भूकंप के ज़माने में जो अध्ययन किया जी, उन सब की संवेदना इकट्ठा करके तो मुझे लगता है कि मेरी जो प्रकृति के साथ जीने की आदत थी और जो प्रकृति ने जो मुझे संवेदना दी थी वो बरकरार रहती आई, और शायद इसीलिए मैं कुछ लिख पढ़ पा रहा हूँ। तो अपन ये कहें कि ये जो लेखन है आपका, ये जो आपके अंदर का जो लेखक है, ये दर्द की कोख से या संवेदनाओं के कोख से पैदा हो? मैं दो दर्द नहीं मानूंगा कि खुशी भी तो कविता को प्रेरित करती है, संवेदना तो खुशी भी तो एक संवेदना होती है जी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द की कविता जो है जी, बड़ी अधूरी कविता है जी। दर्द के साथ मतलब जो हमारा आत्म और अन्य का जो संबंध है जी, आत्म और अन्य के बीच का जो हमारा एक ही भूत संबंध है जी, उन संबंधों के भीतर जो रस है, जो संवेदना है, जो प्रेम है, जो कहना चाहिए कि जो करुणा वाला भाव है, ये भी तो कविता को प्रेरित करता है जी। इसलिए मैं दर्द शब्द से मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है जी। मैं नहीं मानता हूँ कि हर कविता जो है वो दर्द की कोख से पैदा होती है, कोख से पैदा होती है, ऐसा मैं नहीं मानता जी। जी, आपने अभी बताया कि आप भूकंपों के वैज्ञानिक रहे हैं, तो अभी देश में एक बहुत कुछ दिनों पहले एक जोशी मठ की चर्चा हुई, तो ये जो जोशी मठ जो सामने आया देश के, उसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं कि जोशी मठ जैसी घटनाएं क्यों हुई? पता नहीं आपने स्थानीय अखबारों में कभी एक कोई खबर पढ़ी होगी, मैंने उस इलाके में काम किया है जी। वहाँ पर एक दूध गंगा प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है जी। उस दूध गंगा प्रोजेक्ट में रहते हुए मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी कि ऐसा ऐसा होगा जी, और इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए। बाद में वही सारी घटनाएँ हुई जी, और मैं जोशी मठ में रुक कर के ही वहाँ जा कर के ये सब काम किया करता था।
मैंने उन दरारों को विकसित हुए होते हुए देखा है, और ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। मुझे याद है आज से करीब 30-40 साल पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ये तो एक भूस्खलन पर स्थित है जोशीमठ, और इसको बचाना बड़ा मुश्किल है। खास करके मैं चूँकि शंकराचार्य से जुड़ा हूँ, ये उनकी तपस्थली रही है, इसलिए उसकी पीड़ा मुझे बहुत गहरे से पहले भी थी, बाद में भी, आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैंने कोशिश की अपने स्तर पर मैंने कोशिश की वैज्ञानिकों में, अखबार में पेपर लिखे मैंने इस संबंध में, लेकिन चलिए वो तो आई गई बात हो गई, अब तो सिर्फ दर्द ही महसूस कर सकता हूँ इसका। जिस तरीके से ये जो आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ जो चल रही है, और जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो एक भूवैज्ञानिक होने के नाते आप इसको मैंने कैसा महसूस, क्या देखते हैं कि आने वाला जो दौर होगा वो कैसा होगा? देखिए, ऐसा है कि विकास का जो पश्चिमी मॉडल हमने स्वीकार किया है जी, उस विकास के पश्चिमी मॉडल में औद्योगिकीकरण को हम अलग नहीं कर सकते जी, और हम जो है अब तो भाई गति सांप छछूंदर केरी, अब तो हमने काफ़ी छछूंदर तो निगल लिया है सांप ने, अब तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है ये सब मामला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम वापसी नहीं करते, अगर हम अपने रास्ते नहीं बदलते, तो हम निश्चित रूप से भयावह हादसों के शिकार होंगे भविष्य में। और ख़ास करके जो चिंताजनक विषय है हिमालय को लेकर के, बहुत चिंता का विषय है भूस्खलनों का, की जो श्रृंखला चलती रहती है वहाँ पर जी। फिर जो ये आप जिसको आप क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं जी, उसकी जो वहाँ श्रृंखला चलती रहती है, ढेर सारी पहाड़ों के ऊपर ढेर सारी झीलें हैं, बर्फ वाली झीलें हैं, उनके टूटने का जो क्रम शुरू होता है, जो पहले एक बार हो चुका है, उन सब को देखते हुए तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र के अपने पर्यावरण के संबंधी जो है प्रश्न है, अगर उन प्रश्न से आँख मूंदी गई तो निश्चित रूप से हम भयावह समय की ओर जा रहे हैं। जबलपुर में भी कुछ वर्षों पूर्व भूकंप आया था, तो उस भूकंप के आने के पीछे की वजह क्या मानते हैं? जबलपुर भूकंप पर तो मेरी किताब है जी, उसका टाइटल है जियोटेक्निकल एनालिसिस ऑफ 1997 अर्थक्वेक ऑफ जबलपुर, अंग्रेजी में है वो किताब जी। और मैंने उस दौरान बांधों पर काम किया था जी, कि वहाँ के जितने बांध हैं छोटे बड़े जी, उन सब बांधों का सर्वेक्षण करके उनके उन पर भूकंप का प्रभाव, इन सब चीज़ें उसमें मैंने कारणों के खूब विशद व्याख्या की है जी। और मैंने अगला भूकंप जबलपुर में आएगा तो क्या होगा जी, इस पर DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहल पर मैंने वहाँ पर काम किया है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर के दक्षिण में सतपुड़ा के तराई पर एक बहुत लंबा भ्रंश है जी, जो इधर आपके चौपन वगैरह से शुरू होकर के आगरा और फिर व्यवहारी और फिर इधर होते हुए फिर सीधा जो है निकलता हुआ आगे होशंगाबाद, फिर होशंगाबाद के थोड़ा सा हट करके फिर तापी वैली तक चला जाता है जी। इसको हम लोग बोलते हैं सोन नर्मदा लिनियामेंट जी, वैज्ञानिक भाषा में। इसके कारण वहाँ भूकंप होते हैं, और उसकी भूकंप की एक आवृत्ति भी है, ये तकरीबन 50 साल में एक भूकंप हो जाता है, और वो भी 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का भूकंप होता है। तो हमने मतलब वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद ये पाया कि भूकंपों को तो रोका नहीं जा सकता, भूकंपों के हादसे को कम किया जा सकता है जी। उसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से बनाते, उस तरह की बसाहट, उस तरह के घर, उस तरह का हम लोग आपदा प्रबंधन के तरीके, ये सब के विकसित, इस पर मेरी एक मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी भी करवाई थी जबलपुर में, जिस पर हमने विशद व्याख्या की है। और मुझे लगता है कि उन कारणों को जो कारण तो ज्ञात हैं कि इस नर्मदा सोन नर्मदा लिनियामेंट पे एक भूकंप हर 50 साल में होगा ही होगा, तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन करने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी विशद व्याख्या ये वो पुस्तिका
के रूप में प्रकाशित भी है जी, और उस पर काफ़ी बड़ा ग्रंथ भी है जो जीएसटी को सबमिट। अच्छा, ये भूकंप आते क्यों है? मतलब अगर हम अपने दर्शकों को एक बहुत छोटे से छोटे माने छोटी व्याख्या में कि ये भूकंप आता क्यों है? भूकंप आने के अनेक कारण हैं जी, और भूकंप अलग अलग गहराइयों से आते हैं जी। भूकंप हो सकता है कि जैसे मैंने एक भूकंपों पर काम किया है खंडवा में जी, वहाँ भूकंप आते थे 2-3 किलोमीटर की गहराई से जी, और 2-3 किलोमीटर गहराई में पंधाना में रह करके मैंने अनुभव किया है कि दिन में 110-111 भूकंप आया करते थे जी। तो ये भूकंप, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता था क्योंकि ये सतही भूकंप थे और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी थोड़ा सा। लेकिन जो भूकंप गहराई से आते हैं जी, जबलपुर के भूकंप लगभग 26-27-30 किलोमीटर की गहराई से आते हैं, इनका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। फिर कुछ भूकंप जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हिमालय के साथ, या कि थोड़ी देर के मान लीजिए कि अंडमान निकोबार के साथ, या कि म्यांमार के सीमा के साथ जो भूकंप आते हैं उनकी गहराई तो 100 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भूकंप मूलतः इसलिए आते हैं कि हिंदुस्तान की धरती ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ 2 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से पुश हो रही है, और ये पुश जो है सतही नहीं है, ये खूब गहरे पर जाकर के जो प्लेट है, ऊपर की जो प्लेट है, नीचे की जो प्लेट है, उनके बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है उसमें हमारी प्लेट जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ पुश हो रही है, इसके कारण ये भूकंप आते हैं। और कुछ भूकंप तो ये आते हैं कि तालाब बना रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं हम, उनके साथ वाले भूकंप। कुछ भूकंप आते हैं कि हम खदान के साथ जो काम करते हैं उन भूस्खलन के कारण पैदा होने वाले भूकंप, इसको तो सतही भूकंप है, उनका ज़्यादा चिंता नहीं। लेकिन ये जो विवर्तनिक भूकंप, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जी, जो विवर्तनिक भूकंप हैं जिनकी गहराई थोड़ा ज़्यादा है, वो हमारे चिंता के विषय होते हैं। विंध्य क्षेत्र में भूकंप की कोई संभावना? हाँ हाँ, विंध्य क्षेत्र में व्यवहारिक एक भूकंप आ चुका है जी, बहुत पहले 6 मैग्नीट्यूड का जी, 1924 में। और अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अब समय है, अब ये जबलपुर भूकंप को 97 से और 27-28 साल हो गए, तो अभी अगले 27-28 साल तक हम लोगों को निष्फिक्र होना चाहिए। लेकिन अगला भूकंप या तो जबलपुर के पास, या कि जगल जब वही सोन नर्मदा लीनियामेंट जो बोला है मैंने कि सोन और नर्मदा को मिला करके जो रेखा बनती है उसमें कहीं ज़रूर आएगा, लेकिन अभी समय है। आप चूँकि भूकंप पे आपने बहुत बड़ा कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य आपने अपनी मैंने एक वैज्ञानिक के रूप में जो इस देश के लिए आपने किया हो वो हमारे दर्शकों को? मेरे कार्य मूलतः जो है 3 प्रकार के जी। पहला तो मैं इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हूँ जी, तो मैंने बांध बनाए जी, जीवन काल में मैंने कम से कम 100 बांधों का सर्वेक्षण किया होगा, और जिसमें से कुछ ऐसे बांध हैं 8-10 जिनका स्थल निर्धारण से लेकर आखिरी न्यू रखने से लेकर के आखिरी मंजिल तक कमिश्निंग तक मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। उनमें से एक है बाणसागर जी, बाणसागर बांध से मैं जुड़ा रहा हूँ जी, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाणसागर विंध्य प्रदेश को दिया है जी। इन नहरों का जो जाल है, इस नहरों के मार्ग निर्धारण में भी मेरा अपना योगदान रहा है। टून स्वराज अद्भुत संरचना है, इस तरह की संरचना जो है अभी अपने इस देश में कोई दूसरी नहीं है। ये जिप्सम फाउंडेशन पर आधारित है, जिप्सम टून स्वराज जो बहुत उसकी डिज़ाइन करवाना, उसके लिए आरेखन करवाना, ये एक
कठिन काम था ये मेरा विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये भी कहीं ना कहीं ये जो आपने किया ये कहीं ना कहीं माटी का कर्ज उससे जुड़ा हुआ था। हाँ, हो सकता है हमारा क्षेत्र है तो इसमें कुछ इस तरीके का कार्य किया जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है। फिर इसके बाद जो है मैं भूस्खलनों पर काम करता था जी। भूस्खलनों पर मैंने भूटान से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक सारे क्षेत्रों में हिमालय में काम किया है जी। मुझे लगता है कि वो काम मेरा महत्वपूर्ण है। एक टाउन पूरा का पूरा कस्बा भूटान में नीचे धंसता जा रहा था उसको बचाने का जिस तरह से जोशीमठ धंस रहा है जी। उसी तरह से वो भी धंस रहा था उसको बचाने का मैंने काम जो किया है मुझे लगता है कि इस तरह से मेरे कुछ अवदान है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा अवदान है वो है जबलपुर का भूकंपीय अध्ययन जी और भविष्य में होने वाले भूकंप के कारण जबलपुर में नए जबलपुर में क्या नुकसान होंगे उसका आकलन ये मेरा एक विशेष महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए मुझे लोग पहचानते भी हैं जी। अब जो मतलब आप शासकीय सेवा से आपने अपने आप को अलग कर लिया है तो अब जो बचा हुआ काल है जीवन है जो बचे हुए जीवन को आप कैसे मतलब एंजॉय करना चाहते हैं? एक तो ये है कि अब वो भू तकनीकी और जियोलॉजिकल स्टडीज जो मैं किया करता था अभी कंसल्टेंट हूँ जी। लोग बुलाते रहते हैं बड़े बड़े बांधों के आकलन के लिए बुलाते हैं जी। कंसल्टेंट हूँ अलग अलग स्टेट्स का मणिपुर का हूँ आंध्र प्रदेश का कंसल्टेंट हूँ और भी दूसरे प्रदेशों का भी कंसल्टेंट हूँ तो उस तरह से मैं अभी अपना कंट्रीब्यूशन निभाता रहता हूँ जी। वो लेकिन नगण्य है। मूलतः मैं अगला मेरा जो भी 10-5 साल जो भी समय मेरे खुदा ने जो भी जो भी ईश्वर जी रख रखा होगा उस पीरियड में मैं एक तो अपने गांव के परिवेश का ठीक से अध्ययन करना चाहता हूँ जी। उसका भूवैज्ञानिक परिवेश उसका भौगोलिक परिवेश जल संधारण को लेकर के उसके परिवेश की विशेषताएं और जो घट रहा है जो सामाजिक परिवेश मैंने उसमें जो जो कारण मैंने बताए चार कारणों से जो टूट रहा है उस सामाजिक परिवेश पे और लोगों के दुख दर्द की बात करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जाते जाते मैं अपने गांव के बारे में एक दस्तावेज जी इस तरह का मैंने इंटीग्रेटेड दस्तावेज बना के जाऊँ एक मेरी इच्छा है जी। और दूसरी मेरी इच्छा है कि उपनिषदों पर और ख़ासकर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अगर मैं अपना थोड़ा सा भी वक्त दे सकता हूँ आपको बस सूचित करने मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं आज भी अपने गांव के स्कूल में हायर सेकेंडरी में जा कर के संस्कृत की क्लासेस लेता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत भाषा से जुड़ा रहना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि लोग आए उपनिषदों पर चर्चा करें इस तरीके की। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में साहित्यिक सक्रियता में कहीं ना कहीं कुछ उभार आए कहीं ना कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है। इतना सतही है मामला जी इतना है सतही मामला उसको देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से कार्यक्रमों के माध्यम से गांव में रह करके ही छोटे छोटे साहित्यों का थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो चर्चा करूँ और फिर लोग तो रास्ता अपने आप निकालते ये मेरी इच्छाएं हैं। आप तो आने वाली पीढ़ी को कोई ऐसा संदेश जिससे क्योंकि आपके ज़िंदगी का जो अनुभव है वो मतलब आम आदमी की कल्पना से परे है तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को एक कुछ अपने अनुभव के आधार पर कोई संदेश? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने जी। मेरा मानना है कि हम लोग बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं जी। उस संकट के आयामों का लोगों को अंदाज़ा नहीं है जी। और संकट के स्थिति में एक साहित्यकार हुए हैं निर्मल वर्मा जी उनका ये कहना है कि संकट के स्थितियों में हमें अतीत का मंथन करना चाहिए जी। मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को अतीत में मंथन करके
अपने परंपरा से और अपने परंपरित ज्ञान और मर्यादा से जुड़ना चाहिए, यही मैं नई पीढ़ी को संदेश दे। अतीत का अध्ययन करके वर्तमान की बुनियाद रखी जाए, बुनियाद जिससे भविष्य सजे और संवरे। भविष्य देखिए ऐसा है, भविष्य की पीड़ा मुझे बहुत नहीं आक्रांत नहीं करती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भविष्य भी लोगों को आक्रांत, मुझे तो नहीं करती कम से कम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने सारे आयामों में जाकर के और हमने अतीत का ठीक से पुनरावलोकन किया और हम अपनी परंपरा से जुड़े तो शायद इस संकट से उभरने का रास्ता बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आज आपसे अच्छा एक अच्छी चर्चा हुई और हम निश्चित तौर पे अपने आपकी चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे और जीवन में कुछ सीख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके और आपके चैनल पर आकर।